सो एक मेडिकल ऑफिसर का सैलरी स्टार्टिंग सैलरी जो होता है 45,000 से स्टार्ट होता है, और वही अगर मेडिकल ऑफिसर रेगुलर होता है तो उसका सैलरी 65,000 के अराउंड हो जाता है। और ये मेडिकल ऑफिसर जस्ट एमबीबीएस करने के बाद आप बन सकते हैं। और जो अगर बात किया जाए वर्कलोड, वर्कलोड है मेडिकल ऑफिसर का, वो है पहला वर्कलोड है कि उनको पेशेंट देखना होता है, और मैं पर्सनली बीएमओ होकर भी बहुत सारे पेशेंट देखता हूँ। सो ये तो हमारा सबसे जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है वो है। और सेकंड जो काम होता है वो एमएलसी केसेस देखना पड़ता है, जितने भी मेडिको लीगल केसेस हैं, जैसे कहीं मारपीट हो गया, कहीं रेप हो रहा है, तो जितने भी अपराध होते हैं वो डॉक्टर्स होते हैं वो एक्सपर्ट विटनेस कहलाते हैं। और इनका काम होता है कि एक एक जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको अच्छे से करें। और मैं जैसे स्टार्टिंग में मेडिकल ऑफिसर था तो डेली कम से कम 10 मेडिको लीगल केसेस देखता था, और ये मेडिको लीगल केसेस हम हैंडओवर करते हैं पुलिस को, और पुलिस उसके बाद प्रकरण करती है, फिर वो केस कोर्ट में जाता है। और इसी वजह से कोई भी मेडिकल ऑफिसर को बार बार कोर्ट जाना पड़ता है, और पुलिस और मेडिकल ऑफिसर का कोऑर्डिनेशन अच्छे से रहता है। और जो थर्ड केस है वो है पोस्टमार्टम। इससे बहुत सारे जो न्यू डॉक्टर्स होते हैं वो डरते हैं कि हम पोस्टमार्टम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बट ऐसा नहीं है, आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे। अभी तक मैं 50 पोस्टमार्टम से भी ज्यादा कर चुका हूँ सिर्फ एक साल में। सो पोस्टमार्टम आपको करना पड़ेगा, और इसको रिपोर्ट हम आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं, और जो अगर क्लियर कट रहता है तो। और ज्यादातर पोस्टमार्टम केसेस में हैंगिंग के केस आते हैं, और या तो बर्न केसेस आते हैं, या फिर अननोन बॉडी जो कहीं किसी को मार के कहीं दफना दे, होमिसाइडल केसेस आते हैं। सो आई होप गाइस इतना आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू गाइस।